बीएससी मैथमेटिक्स के सेमी फाइनल में एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, जीरो प्लस और माइनस वन, प्लस और माइनस टू,
बाद में आता है नेशनल नंबर सेट ऑफ नेशनल नंबर्स, सेट ऑफ नेशनल नंबर्स में बाय न्यूट्रल्स के एलिमेंट्स होते हैं, ए बिलोंग्स टू आई यानी कि इंटीजर्स के रेड एलिमेंट्स जो कि पी की जगह पे आ जाएंगे, और दूसरा क्यू क्यू लेना है हमें एन से यानी कि बी बाय टू टाइप्स के एलिमेंट तो पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरह के हर एक पॉइंट्स यानी कि अगर आई में से हम माइनस थ्री लेते हैं और एन में से हम टू ले लेते हैं तो ये रेशनल नंबर है। उसी तरह से वन बाय फोर ले सकते हैं, वन बाय एट भी ले सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है रेशनल नंबर्स। और आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स उसमें एन आई और टू यानी कि ये सारे एलिमेंट्स किसमें आएंगे रियल नंबर्स में। बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस आर और प्लस आर। ये सेट के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। अब हम आते हैं ग्रुप के कॉन्सेप्ट की एक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखते बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन और उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो हमने पहली तरह के बाइनरी ऑपरेशन देखे जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, डेल्टा, एफ जी एच, ये सारे क्या है बाइनरी ऑपरेशंस है। तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है बाइनरी ऑपरेशन की वो देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो ए जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास कोई एक जी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके लिए देन अ मैपिंग, हमें ये बाइनरी ऑपरेशन को हम लेते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन को के लिए हमें इस तरह का मैपिंग देते हैं जी क्रॉस जी टू जी। तो ये जी क्रॉस जी टू जी बाइनरी ऑपरेशन मिलता है उसे हम कहते हैं इट इज फॉर, इट इज फॉर बाइनरी ऑपरेशन। कैसे बच्चों काम करता है ये बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं कि अगर g कोई नॉन एम्प्टी सेट है यानी कि g में कोई ना कोई तो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हमने आगे सेट में देखे थे कि n r u r c यानी कि इसमें से कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हम अगर उठाए और उस पे हम ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं यानी कि मैं अगर ये बाइनरी ऑपरेशन वो है वो g क्रॉस g टू g में से हमें मिले इस प्रकार से मैपिंग हो तो इसी डेफिनेशन के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि g में से कोई भी दो एलिमेंट है ए जी और दोनों सेम ही ग्रुप है नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अगर ये दो एलिमेंट्स a और b g में से उतर और ये दो एलिमेंट्स पे मैं ये बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करता हूं
सी सी भी अगर जी का एलिमेंट हो, क्या है जी का एलिमेंट हो तो उससे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे ये जो जी को जी ये वो है डोमेन और ये जी है वो कोडोमेन। क्या मतलब है इसका कि अगर हम ये जी में से दो एलिमेंट्स उठाए और उसपे जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो वो ऑपरेट करते हैं ए को बी और उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है सी, वो सी अगर उसी नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट्स हो, क्या बच्चों उसका ही नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट्स हो तो हम उससे कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। कैसे वही है ऑपरेशन है जो जी क्रॉस जी टू जी के मैपिंग है और जी के दो एलिमेंट्स हम लेते हैं और उसी दो एलिमेंट्स पे अगर हम ऑपरेशन यूज करते हो और उसका आंसर हमें रिजल्ट मिलता है वो भी है जी का ही एलिमेंट हो तो उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोटेट कर सकते हैं इस तरह से, ये साइन के सामने जो ऑपरेशन से वो बाइनरी ऑपरेशन से उस एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है बाइनरी ऑपरेशन कि अगर हम कहें कि n प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन और हमें कुछ इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है कि n प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन वन, यहां पे बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है प्लस एडिशन, जो n सेट है नेचुरल सेट वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन उसका मैपिंग हम एक बनाते हैं n क्रॉस n टू n जिस तरह से हमने डेफिनेशन दी हुई है तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमने कैसे चेक किया था कि ये जो एलिमेंट्स है नॉन एम्प्टी सेट के दो एलिमेंट्स उठा लेते हैं, n में से कोई भी दो एलिमेंट्स हम उठा लेते हैं कि 2, 3 बिलोंग्स टू n। क्या करते हैं 2 और 3 दो एलिमेंट्स नेचुरल सेट के नंबर से उसे हम उठाए उठाए उसके कौन से बाइनरी ऑपरेशन लागू करना है। यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया था वो जो कि यहाँ पे हो यहाँ पे एडिशन यानी कि 2 + 3 हम करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 5। क्या 5 n में आता है जैसे c g में आता था 5 बिलोंग्स टू नेचुरल सेट है यानी कि जो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है n प्लस सॉरी बच्चों ये बताना भूल गया कि हम इस तरह से अगर कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि हम इस तरह से हमें यहाँ पे मिलता है 2 + 3 = 5 बिलोंग्स टू n, 5 तो n में ही आता है यानी कि जो ये n प्लस है इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। फिर से देख लो कि अगर n प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है तो हमें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं प्लस का एक बाइनरी मैपिंग भी सेट करते हैं और उसमें भी क्या तो n क्रॉस n n से और नेचुरल सेलेक्शन में दो एलिमेंट्स हम लेते हैं उस पे हम अपना ये बाइनरी ऑपरेशन लागू करते हैं तो हमें आंसर जो मिलता है वो इसमें से मिलेगा n में से,
यानी कि जो हमारा कॉमेडी स्टार्स होगा और इसे हमें लिखना कैसे वो ये देखो बच्चों कि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी, इसमें से एम ए सी यानी कि नेचुरल सेट। तो इसके लिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू जो आंसर होता है सी प्लस टू एंड, यानी कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का आप एडिशन करें तो उसका आंसर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर से मिलेगा। दैट होता है एन प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन। अब हम देखते हैं अगर एग्जांपल से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एन माइनस ट्राई करते हैं। एन माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन, नेगेटिव के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप हमको देख के मालूम हो जाता है कि अगर हम दो एलिमेंट्स एन में से लेते हैं और उसका सब्सट्रैक्शन करते हैं, टू माइनस टू थ्री बिलोंग्स टू एन एंड टू माइनस थ्री बिलोंग्स टू, टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन नॉट बिलोंग्स टू एन, यानी कि अगर हम उसका सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन बन रहा नहीं, यानी नेगेटिव साइड के लिए जो नेचुरल साइड है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, पर पॉजिटिव साइड के लिए जो नेचुरल साइड है वो बाइनरी ऑपरेशन है। उसी तरह से हम दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कई सारे एग्जांपल से ले लेते हैं, आई आई माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, हमें पता है कि कौन से एलिमेंट आते हैं, जीरो प्लस और माइनस वन प्लस और माइनस टू प्लस और माइनस थ्री वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ये नेगेटिव साइन के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि यस ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। कैसे, अगर हम माइनस थ्री लेते हैं एलिमेंट से और दूसरा हम ले लेते हैं टू माइनस थ्री और बिलोंग्स टू आई कैसे होंगे, और उस दोनों ये दोनों का हम सब्सट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव साइन के लिए, माइनस थ्री माइनस इज इक्वल टू हमने आंसर मिलता माइनस फाइव, जो कि माइनस फाइव आई में आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आई माइनस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एन की डिसीजन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा नहीं होगा। उसी तरह से आई डिसीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा नहीं होगा। तो इस तरह से हमें कई सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन ए या नहीं चेक करने के लिए, और कोई भी एग्जांपल पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि आप सबको इस डेफिनेशन और ये जो हमने एग्जांपल लिखे उसके हिसाब से आपको आंसर आता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया, अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। या देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस की कौन सी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग फाइव तरह की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। इसमें से हम यहां पे देखने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन, सेकंड देखेंगे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, थर्ड पॉइंट देखेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ
of identity or they can be existence of inverse या तो भी इसे हम कह सकते हैं नॉन सिंगुलर बाइनरी प्रॉपर्टीज फिर देखेंगे क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस और कम्युनिकेटिव देखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कहती है और उसका यूजेस हमें रूप में कहां पे होगा। चलो पहले देखते हैं क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन। क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है उसके हरे एलिमेंट्स क्या उसके हरे एलिमेंट्स ये भी हम कहते हैं जी में से हर एक एलिमेंट्स के लिए कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास हो वो ए और बी ऑपरेट करे और उसका आंसर अगर अपने जी में से मिलता है तो हम उसे कहेंगे क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन। क्या बच्चों कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के हर एक एलिमेंट्स अगर जी में से कोई भी हर एक कोई भी दो एलिमेंट्स हम उसमें से उठाए और उसके अगर बाइनरी अप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आंसर यानी कि रिजल्ट हमें मिलता है वो है बाइनरी ऑपरेशन बने यानी कि वो है नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट्स हो तो उससे कहते हैं क्लोजर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। उसी तरह से हम एसोसिएटिव का देखें तो यहाँ पे हम अलग अलग तीन एलिमेंट्स लेते हैं और उसके लिए ये जिस तरह से कोई कंडीशन अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम उसे कहेंगे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। क्या बच्चों कि अगर तीन एलिमेंट्स ले लिया ए बी सी और ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी यानी कि ये वाली कंडीशन होल्ड होती है तो उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को समझने के लिए हम पहले कुछ दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है क्या है। अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी अगर एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी सेट में से हम उठाए और उस पे हमें एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है जिसके कारण उस बाइनरी ऑपरेशन से हमें रिजल्ट में वो ही नंबर मिले तो हम उसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। यानी कि एडिशन के लिए हम हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो कि जीरो में हम कोई भी नंबर ऐड करें या तो कोई भी नंबर सब्सट्रैक्ट करें तो उसका हमें आंसर क्या है जीरो में ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें तो हमें आंसर वो नंबर्स नहीं मिलेंगे। उसी तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी नंबर है 1 तो डेफिनेशन से तो हम समझते हैं कि एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहेंगे कि अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी में से हम उठाए द रेट
जीवियस उठाए तेरे जी उसके लिए हमें एक ऐसा इंपीडेंस को आइडेंटिटी एलिमेंट मिले जीवियस ये उसके अगर भी हम कहें कि ए ओ ई इज इक्वल ई ओ ए इज इक्वल आंसर हमें अगर वो ही नंबर मिलता है ए तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी यानी कि ई यहाँ पे है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स अगर एडिशन की बात करें तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर टू में हम जीरो ऐड करें तो हमें आंसर मिलता है यानी कि जीरो इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन उसी तरह से माइनस टू में हम अगर जीरो ऐड करें तो हमें आंसर मिलेगा माइनस टू यानी कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट्स यानी एडिशन का उसी तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि माइनस टू मल्टीप्लीकेशन वन इज इक्वल टू माइनस टू माइनस फाइव मल्टीप्लीकेशन वन इज इक्वल टू माइनस फाइव थ्री वन इज इक्वल टू थ्री तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के प्राइमरी ऑपरेशन क्या होगा वन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जीरो तो बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल टू a अगर हमें मिलता है तो यहां पे a है वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है उसी तरह से हम देखते हैं इनवर्स एलिमेंट्स क्या कहते हैं इनवर्स एलिमेंट्स कि कोई भी अगर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g में से हम गैरेंटी उसके लिए हमें उसी सेट का b बिलोंग्स टू g के एलिमेंट्स मिलता हो सच है क्या हो उसके लिए a o b हम पर एक तो हमें अगर रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलता तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए तो इसे ध्यान से देखो बच्चों कि अगर जी के हर एक एलिमेंट्स के लिए उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता हो यानी कि उसी सेट में हो और उसके लिए हम जो बाइनरी ऑपरेशन डिसाइड करते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन लागू करने पर हमें जब भी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलता है तो उसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए और उससे यहां पर हम कह सकते हैं कि b इज इनवर्स ऑफ a यानी कि a इज इक्वल टू b इनवर्स हम लिख सकते हैं इसे देख लो कि अगर ये अगर हमारा जी में है तो उसके लिए हमें एक दूसरा एलिमेंट भी जी में मिलेगा कि उसके लिए हम कह सकते हैं कि ओबी इज इक्वल टू हमें रिजल्ट जो मिले वो आइडेंटिटी मिलना चाहिए अगर आइडेंटिटी मिलता है तब भी हम कह सकते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए और ए इज इक्वल टू बी इनवर्स उसी तरह से हम कम्युनिटिव प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं कम्युनिटिव में क्या चाहिए हमें एसोसिएटिव की तरह दो एलिमेंट से ए बी बिलोंग्स टू जी और इसके लिए हमें ये वाला ऑपरेशन लागू करते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए तो हम उसे कहते हैं कम्युनिटिव बाइनरी ऑपरेशंस